बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं इंजीनियर उस्मान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑटो यूट्यूब रिपेयरिंग चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम होंडा सिटी 70 की टैंकी और टापे जो कि ओरिजिनल यूरो 2 के जो कि 22 मॉडल है दोस्तों, उसकी अनबॉक्सिंग करके देखेंगे कि जो जेन्युइन क्वालिटी के टैंकी टापे होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, मार्केट में इसकी प्राइस 9,500 है। सबसे पहले हम इसके टापे को मैं आपको खोल के इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों, जो ओरिजिनल टैंकी टापे होते हैं उस पर इस तरह की पैकिंग होती है और इसकी क्वालिटी, इसकी फिनिशिंग देखें कितनी ज़बरदस्त है। अगर आपने बाइक को की मॉडिफिकेशन की है या आपने बॉडी बाइक को दोबारा रीन्यू किया है तो हमेशा आपने ओरिजिनल टैंकी टापे ही लगाने हैं, जिससे बाइक की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो दोस्तों, ये देखें एबीएस के बने होते हैं, मटेरियल है एबीएस, और इसकी क्वालिटी और इसका स्टिकर, इसकी शाइनिंग में बहुत फ़र्क होता है। बहुत सारे दोस्त 5 स्टार की या 3 स्टार की टैंकी टापे लगाते हैं लेकिन वो उस क्वालिटी की नहीं होती। इसी तरह दूसरा टापा होता है, ये पेच वाला है, यहाँ पर पेच लगता है। दोस्तों, नए मॉडल का है ये। अब हम दोस्तों इसकी टैंकी को ओपन करके आपको चेक करवाएंगे। तो जब भी आपने होंडा अटलस की टैंकी ओरिजिनल लेंगे तो उस तरह की पैकिंग होगी दोस्तों, और इस तरह दोस्तों इसके अंदर पैकिंग होती है। ये दोस्तों मोनोग्राम हमने खुद लगाए हैं। ये देखें दोस्तों, ओरिजिनल टैंकी है और इसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है, 5 स्टार की क्वालिटी में और इसकी जेन्युइन क्वालिटी में। तो हमेशा आपने टैंकी दोस्तों अच्छी क्वालिटी की लगानी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।